तो आज का टॉपिक्स हम लोगों का क्या है, वीलैन, दैट्स मीन वर्चुअल लैन। हम लोग का जो लैन होता है क्या है, हम लोगों का लैन जो है एक्चुअली, हम लोग लैन मतलब क्या समझते हैं, एक नेटवर्क, पूरा मेरा लैन नेटवर्क मतलब मेरा एक ऑफिस में मतलब एक डोमेन में होना चाहिए, सही। तो मेरा अपना एक डोमेन में पूरा एक कनेक्टिविटी है, उसे हम लोग सिंपली लैन कह रहे हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल लैन, क्यों वर्चुअल लैन, मतलब मेरा जो सिंगल, हमारा जो सिंगल लैन है उसको वर्चुअली, वर्चुअली मतलब फिजिकली नहीं रहेगा, लॉजिकली उसको डिवाइड कर देंगे, दैट्स इज कॉल्ड वर्चुअल। मतलब फिजिकली नहीं है, जैसे हम लोग वीएमवेयर यूज करते हैं और भी बहुत कुछ यूज करते हैं, इससे क्या होता है हम लोगों का, वो फिजिकली लेकिन मेरा मेन सिस्टम में है, लेकिन लॉजिकली वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर वीएमवेयर ऐसे में हम लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो इसी तरह भी यही है, फिजिकली मेरा सेम लैन है, एक ही लैन है, लेकिन उसको लॉजिकली हम लोग कई और डिफरेंट डिफरेंट लैन में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्यों इसको हम लोग करेंगे, फर्स्ट आना चाहिए ना क्वेश्चन कि क्यों हम लोग लैन को डिवाइड करेंगे, मेरा जो लैन है उसको डिवाइड करने का क्या रीजन है। तो रीजन बहुत सारा है, उसमें से मेन दो, मेन जो हम लोगों का रीजन है देखो, एडवांटेजेस ऑफ वीलैन, हम लोग क्या है क्यों है हम लोग तो जान लें, वीलैन क्या होता है, मतलब वीलैन का मतलब हुआ मेरा जो फिजिकल एक सिंगल लैन है उसको मतलब लॉजिकली बहुत सारा डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड वीलैन। लेकिन क्यों करेंगे इसको, पहले ये समझना होगा, अगर ये समझ गए, ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया कि क्यों करना है, व्हाई वीलैन, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग वीलैन, वीलैन क्यों हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट देखो क्या है, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल। ब्रॉडकास्ट कंट्रोल मीन्स सपोज मेरा एक लैन स्विच हुआ, स्विच के साथ हमारा बहुत सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। दैट्स मीन अगर एक कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो सबके पास जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं है उसके पास भी जा रहा है, मतलब क्यों, क्योंकि ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, सही। तो मतलब एक ही ब्रॉडकास्ट एरिया है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, अगर एक कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ये सबके पास जाएगा, इसके पास जो भी है सबके के पास जाएगा, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं विलेन बनाकर। सपोज इसको हम डिफरेंस विलेन में डाल दिए, इसको हम डिफरेंस विलेन में डाल दिए, इससे क्या होगा, ये जो ब्रॉडकास्ट होगा ये सिर्फ इन दोनों के अंदर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं आएगा, समझ में आया। तो किस तरह से हम लोग इसका ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सो क्या लिखा है देखो, एलिमिनेट अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्राफिक, इम्प्रूविंग द नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। मतलब अगर हम अननेसेसरी ट्रैफिक को अगर ब्लॉक कर दे रहे हैं या रिड्यूस कर दे रहे हैं तो मेरा क्या होगा, इम्प्रूव होगा नेटवर्क का परफॉर्मेंस, मेरा बहुत सारा इम्प्रूव हो जाएगा, कहाँ पर अनवांटेड कोई ट्रैफिक ही नहीं है यहाँ पे, क्लियर। दैट्स वाई वी आर डूइंग वीलैन, वन ऑफ द रीजन इज ब्रॉडकास्ट कंट्रोल। आप लोग नोट डाउन कर लो, अगर कोई पूछे वाई वी आर डूइंग व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वीलैन, द फर्स्ट एडवांटेज इज ब्रॉडकास्ट कंट्रोल, सेकेंड वन इज सिक्योरिटी। तो वेयर इज द सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी है कहाँ पे, सेम वही, अगर मेरा एक स्विच है, अगर कोई यहाँ पे किसी को पैकेट भेज रहा है या ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो सिक्योरिटी नहीं ना है, जब यहाँ का कोई डेटा इसके पास भी ब्रॉडकास्ट होकर हो जाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ रहा, नहीं रहा। तो लॉजिकली सेपरेट यूजर्स एंड द डिपार्टमेंट अलाउिंग एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्लीमेंट द एक्सेस लिस्ट टू कंट्रोल ट्रैफिक बिटवीन द वीलैन। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकली इसको तोड़ दूँ, अगर लॉजिकली इसको डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, अगर लॉजिकली डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आ जाएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस लिस्ट या कंट्रोल ट्रैफिक ये सब कर सकता हूँ, एक्सेस लिस्ट के द्वारा हम लोग कंट्रोल को मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ब्रॉडकास्ट होकर किसी का किसी में ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं जाएगा, एक सिक्योरिटी हो गया, क्लियर। तो इसलिए हम लोग इसको सिक्योरिटी के रीजन से भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इजिली हम लोग क्या कर पाए, रिमूव द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेटवर्क अलाउिंग ए यूजर और डिवाइस ऑन एग्जिस्ट एनीवेयर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकली जो मेरा बाउंड्री है उसको हम तोड़ दिए,
कोई कहीं पे भी हम किसको अलाउ कर सकते हैं या किसी को कहीं पे भी हम लोग एग्जिस्टिंग दिला सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द विलेन. तो ये मेन थ्री रीजन है जिसके लिए हम लोग विलेन करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज सिक्योरिटी. ये दो मेन रीजन से हम लोग क्या करते हैं, विलेन करते हैं. मतलब मेरा फिजिकली एक लैन है उसको लॉजिकली हम दो टुकड़ा कर दिए. दैट्स मीन इधर का डेटा इधर नहीं पहुंचेगा विदाउट एनी लेयर थ्री डिवाइसेस. तो दैट्स मीन मेरा क्या होता है, स्विच में ब्रॉडकास्ट होता है लेकिन राउटर मेरा तो ब्रॉडकास्ट नहीं सपोर्ट करता है. तो जब भी इसका जरूरत पड़ेगा दैट्स मीन ब्रॉडकास्ट नहीं होगा. तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ कोई इस जगह पे अगर मुझे कोई पैकेट भेजना है तो मुझे हेल्प लेना पड़ेगा लैंड में ही एक लेयर थ्री डिवाइस का. दैट्स मीन अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट रुक गया, यहीं पे आते ही मेरा ब्रॉडकास्ट खत्म. सिक्योरिटी भी हो गया, मैं यहाँ पे ACL से लेके हर कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. कौन जा पाएगा, कौन इधर आ पाएगा, कौन इधर नहीं आ पाएगा, एवरीथिंग वी कैन डू ओवर देयर. ये सब हर कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर डूइंग द VLAN. तो एक मेरा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो गया, दूसरा मेरा क्या हुआ, सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो चुका है और फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है. ठीक है, तो ये तीन मेजर रीजन है या एडवांटेज है. रीजन भी बोल सकते हो दैट्स वाई हम लोग कर रहे हैं, या एडवांटेज भी बोल सकते हो बिकॉज फॉर दैट रीजन और फॉर देयर इज द थ्री टाइप ऑफ एडवांटेज. दैट्स वाई वी आर डूइंग द VLAN. हाउ कैसे करते हैं वो अलग बात है, पहले समझना है क्यों जरूरत है. तो समझ में आया कि VLAN का जरूरत क्यों पड़ता है. और एक चीज जो मेनली हम लोग समझते हैं, सपोज हम लोगों का तीन को ग्रुप है, थ्री ग्रुप, सपोज वी हैव थ्री डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट. धरो HR डिपार्टमेंट में 3 PC है, एडमिन डिपार्टमेंट में 2 PC है, सेल्स में ज्यादातर काम होता है इसमें मेरा 25 PC है. तो मेरा यहाँ पे देखो हम इस तरह से ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं. ये लोग का खुद के अंदर ब्रॉडकास्ट हो, ये लोग का खुद के अंदर ब्रॉडकास्ट हो, इसके अंदर खुद ब्रॉडकास्ट हो. दैट्स मीन मैं HR के लिए ए नेटवर्क दिया 10.0.0.1.0/24. इसके लिए 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24. तो ये हम लोग कर सकते हैं. समझा, तो सेम लैंड में जहां मेरा एक ही नेटवर्क था वहां पे हम तीन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना के डिफरेंट डिफरेंट लैंड में उसको डिवाइड कर दे लॉजिकली. तो मेरा आप हम लोग क्या जानते हैं, तो मेरा विद एक नेटवर्क से मतलब जो मेरा एक नेटवर्क है उससे दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हमको लेयर थ्री डिवाइस का जरूरत पड़ेगा, मतलब राउटर्स का जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज मैं दूसरा नेटवर्क में जा नहीं सकता हूँ. क्लियर, समझ में आया. सो HR से मुझे अगर एडमिन में आना है तो HR का ब्रॉडकास्ट मेरा इसमें नहीं आएगा. रीजन क्या है, तो मेरा HR जो है, हम लोग का जो HR है, HR का कोई भी पैकेट या कोई भी डेटा मेरा एडमिन में नहीं आ पाएगा. क्लियर, समझ में आया, बिकॉज ये मेरा डिफरेंस नेटवर्क में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए. अगर सेम नेटवर्क में भी रखते तो रख सकते थे, सेम नेटवर्क में रखने से भी अगर हम इसको अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो उसका डेटा उसमें नहीं जाएगा. तो मैं सेम नेटवर्क भी रख सकता हूँ फिर भी वो लोग नहीं जाएगा, लेकिन सेम नेटवर्क में रखने से प्रॉब्लम एक ही है, आप उसको डिफेंस नेटवर्क में डिफेंस ग्रुप में आप कनेक्टिविटी नहीं करवा पाओगे. ठीक है, इसलिए हम लोग डिफेंस नेटवर्क रखते हैं अलग अलग VLAN के लिए. अलग अलग ग्रुप हो गया, अलग अलग ब्रॉडकास्ट हो गया. अगर HR का कोई भी ब्रॉडकास्ट HR के ग्रुप के अंदर ही आएगा, सेल्स का सेल्स के अंदर ही आएगा, एडमिन का एडमिन के अंदर ही आएगा. अगर किसी को कहीं जाना है तो कोई परमिशन दिया हुआ होगा, ACL से हम लोग परमिशन दिए कौन कहाँ जा पाएगा, कौन किस ग्रुप में जा पाएगा. हम परमिशन दिए सेल्स एडमिन में नहीं जा पाएगा और HR पे, लेकिन HR एडमिन नहीं जा पाएगा, लेकिन एडमिन HR सेल्स सब में जा पाएगा. इस तरह से हम लोग परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं.
एसीएल के द्वारा, ठीक है, वह हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन इस तरह से मैं ग्रुप डिवाइड करके मेरा जो एक सिंगल लैन था फिजिकली लैन, उसको हम लॉजिकली बहुत सारे लैन में डिवाइड कर दिए एज पर ग्रुप। क्लियर, समझ में आया? ओके, सो कोलिशन वर्सेस ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक चीज है यहाँ पे उतना नहीं होता है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे जो दिया है नोट्स पे। एक कोलिशन डोमेन इज ए सिंपली डिफाइन एज ए फिजिकल सेगमेंट वेयर कोलिशन कैन ऑकर। कोलिशन का मतलब क्या होता है? धक्का। दैट्स मीन सपोज मेरा इधर से कोई एक ही पाइपलाइन में इधर से डेटा आ रहा है, सेम मेरे मेन पाइप में इधर से डेटा आ रहा है, तो क्या होगा? कोलिशन होगा। मेरा तो एक ही मेन धरे, मेरा एक ही मेन केबिल है, इसी से तो सब डेटा जाता है ना। सेम टाइम में अगर सभी उसको यूज करे तो क्या होगा? कोलिशन हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का कोलिशन। तो हब कैन ओनली ऑपरेट ए हब डुप्लेक्स एंड डज ऑल पोर्ट ऑन द हब बिलोंग द सेम कोलिशन डोमेन। हब में क्या था? मेरा हब डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स नहीं होता है, तो दैट्स मीन वो सेम कोलिशन डोमेन में हो गया। लेकिन लेयर टू स्विच कैन ऑपरेट ए फुल डुप्लेक्स, मतलब फुल मतलब ईच इंडिविजुअल पोर्ट ऑन स्विच बिलोंग इन ए ओन कोलिशन डोमेन, मतलब मेरा हर एक स्विच का हर एक पोर्ट अपना एक अलग कोलिशन डोमेन में होता है। दैट्स मीन एट अ टाइम पैकेट सेंड भी कर सकता है, एट अ टाइम पैकेट रिसीव भी कर सकता है। दस लेयर टू स्विच क्रिएट मोर कोलिशन डोमेन, वहां तो एक ही था मेरा डोमेन, अब यहाँ पे सोचो मेरा कितना कोलिशन डोमेन हो गया, हर एक पोर्ट के लिए अलग अलग कोलिशन डोमेन, दस रिजल्ट इज प्योर कोलिशन। ठीक है, लाइक हब थ्रू स्विच बिलोंग इन ओनली वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेयर टू स्विच क्या है? मेरा लेयर टू स्विच भी हब के जैसे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहता है, मतलब एक अगर ब्रॉडकास्ट करेगा तो सब पोर्ट में जाएगा, बोथ ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट आउटपुट बट ओरिजिनल पोर्ट, मतलब हर एक पोर्ट में आपका चले जाएगा अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है तो कुछ ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं? विलन भी कर दे रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या चाहिए? ब्रॉडकास्ट को कमाने के लिए हमको लेयर थ्री डिवाइस भी चाहिए। तो लेयर थ्री डिवाइस क्या होता है? ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं, ये मतलब ब्रॉडकास्ट जो होता है वो तोड़ देता है, ओनली लेयर थ्री डिवाइस सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, समझ में आया? मतलब मेरा जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको अलग कौन करेगा? लेयर थ्री डिवाइसेस, बिकॉज दस लेयर टू स्विच आर प्रोबेबली स्पेसिफाइड लार्ज स्केलेबिलिटी नेटवर्क, दस लेयर टू हेडर प्रोवाइड नो मैकेनिज्म टू डिफरेंट द नेटवर्क फ्रॉम अनदर, ओनली वन होस्ट फॉर अनदर। इसलिए क्यों? क्योंकि लेयर टू में बहुत सारा मेरा नेटवर्क डिवाइसेस होता है, पीसीज होता है, लेकिन मेरा जो लेयर थ्री डिवाइस है वो क्या कर रहा है? मेरा ये जो लार्ज जो मेरा नेटवर्क है या लार्ज जो मेरा डिवाइसेस है उसको सिंगली तोड़ सकता है, ब्रॉडकास्ट को तोड़ तोड़ के हम लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है। दैट्स वाई हम लोग विलन जब बनाए मेरा ब्रॉडकास्ट टूट गया, और जब हम लेयर थ्री डिवाइस से हम लोग लेयर टू डिवाइस में फिर डेटा भेज रहे हैं, सपोज इधर स्विच है मेरा, यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे स्विच है, तो यहाँ से होते हुए मैं डेटा भेज रहा हूँ अगर इसको, मेरा ब्रॉडकास्ट यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसका ब्रॉडकास्ट सर यहाँ नहीं पहुंचेगा। दैट्स वाई राउटर हम लोग लेयर थ्री डिवाइस को बोल रहे हैं। ठीक है, यहीं पे वो ब्रॉडकास्ट को तोड़ दे रहा है, समझ में आया? तो और भी होता है कोलिशन को रोकने के लिए है, CSMACD, CMSACA, वो सब है, तो वो अभी का पार्ट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे VLAN, वर्चुअल लैन, बाय डिफॉल्ट ए स्विच विल फॉरवर्ड बोथ ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट आउट एवरी पोर्ट। हम लोग जानते ही हैं बाय डिफॉल्ट स्विच क्या कर सकता है? फॉरवर्ड कर सकता है ब्रॉडकास्ट को भी मल्टीकास्ट को भी हर एक पोर्ट से, बट द ऑर्गेनाइजेशन पोर्ट मतलब ऑर्गेनाइजिंग पोर्ट होना चाहिए, नॉर्मली अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। हाउएवर ए स्विच कैन बी लॉजिकली सेगमेंटेड इनटू सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन यूजिंग VLAN। रीजन क्या है? देखो मेरा हर एक पोर्ट कर सकता है, तो मैं इसको लॉजिकली बहुत सारा ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ सकता हूँ। अगर मेरा स्विच में 10 पोर्ट है, हर एक पोर्ट इंडिविजुअली एक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकता है, एक एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकता है, तो मैं अगर एक एक पोर्ट को अगर अलग अलग डिवाइड कर दूं VLAN के साथ वर्चुअली, तो मेरा क्या हुआ?
डिफरेंट डिफरेंट विलन में हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो गया। क्लियर हुआ? सपोज एक हम ड्रो के साथ बजा समझा रहे हैं, धरो मेरा एक स्विच हुआ, इसमें मेरा पोर्ट है, एक पोर्ट, ठीक है, इतना सारा पोर्ट हुआ। तो एज पर दिस मेरा क्या हम लोग डिफाइन किए कि स्विच मेरा लेयर टू जो स्विच होता है उसका हर एक पोर्ट इंडिविजुअली क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकता है, ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट कर सकता है। तो ये सिंगली एक पूरा डिवाइस ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, हर एक पोर्ट अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकता है। हब में क्या था, वो हब डुप्लेक्स था तो पूरा ही एक था, लेकिन यहाँ पे मेरा हर एक पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकता है। दैट्स मीन हर एक अपना अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर रहा है लेकिन सिंगली एक ही डिवाइस में। अगर मैं इसको चाहूँ तो सेपरेट सेपरेट विलेन बना के उसको सेपरेट कर सकता हूँ, उसका डोमेन को, अलग अलग पोर्ट को। बस समझ में आया? हाँ, तो हर एक पोर्ट को मैं अलग अलग करके वीलैन में दे सकता हूँ। दैट्स मीन इसका डेटा इधर नहीं आ पाएगा कोई ब्रॉडकास्ट। तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों का कि ब्रॉडकास्ट जब भी हम यहाँ पे होगा तो इसी के अंदर ही रहेगा, इस वीलैन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। क्लियर? हर एक पोर्ट अपना अलग अलग ब्रॉडकास्ट कर सकता है, हर एक पोर्ट से एक एक ब्रॉडकास्ट हो सकता है, हर एक पोर्ट तो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। दैट्स वाई हम लोग अगर हर एक पोर्ट का कैपेबिलिटी है अगर ब्रॉडकास्ट करने का, दैट्स मीन इसमें अगर 10 पोर्ट है तो 10 को ब्रॉडकास्ट हो सकता है एट अ टाइम, 10 को अगर डेटा 10 के पास जाएगा, समझो बात को। हब में लेकिन ये नहीं था, हब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, हब डुप्लेक्स था, एट अ टाइम रिसीव करेगा नहीं तो एट अ टाइम सेंड करेगा। लेकिन ये क्या है, रिसीव भी करता है फिर सेंड भी कर सकता है, तो हर एक पोर्ट का ये कैपेबिलिटी है। दैट्स मीन हर एक पोर्ट से एट अ टाइम ब्रॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि रिसीव भी कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंड नहीं कर पाएगा, वो तो सेंड भी कर दे रहा है। हर एक पोर्ट एट अ टाइम सेंड कर सकता है, तो हर एक पोर्ट से एट अ टाइम मेरा ब्रॉडकास्ट होने का कैपेबिलिटी है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तो इसका अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो अगर वीलैन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा सर, किसी के पास जाएगा एट अ टाइम। सोचो अगर सब ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो क्या हाल होगा पूरा स्विच का, समझ में आया? तो मैं अगर इसको चाहूँ, अगर हम लोग चाहें तो वीलैन के द्वारा हर एक को अलग अलग सेपरेट सेपरेट डोमेन में, ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम लोग इसको रख सकते हैं अलग अलग वीलैन बनाकर। मतलब ए वाला पोर्ट को हम एक नंबर विलेन में रखें, इसको दो नंबर विलेन, इसको तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, तो सात गो पोर्ट में, सात गो सेपरेट विलेन में ब्रॉडकास्ट डोमेन में ये हो गया। किस चीज से? ब्रॉडकास्ट वर्चुअल लैन से। अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेगा घुमा फिरा के कि मेरा हर एक पोर्ट को हम किस तरह से सेपरेट डोमेन में कन्वर्ट कर सकते तो क्या होगा, एंड सिंपल विलेन। लेकिन इसको अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे, अगर कोई पूछ लिया तो प्रॉब्लम है, ठीक है? क्लियर? समझ में आया? वीलैन देखो इजीली है, 10 मिनट में समझाओगे तो खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। लेकिन उसको अगर पूरा एक एक टर्म्स को अगर पकड़ के जा लोगे ना तो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वीलैन ही है जो आप नॉर्मली लैन में कन्फिगर हो गई होगा, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वीलैन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लैन में वीलैन नहीं है तो कोई बात ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। वीलैन नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे नॉर्मली, सब इंटरफेस से लेकर बहुत कुछ होता है, विलन की जरूरत होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी नीड द विलन। तो इसको हमको हर एक चीज को अलग अलग से समझना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से। क्लियर? समझ में आया सबको? ईच विलन रिप्रेजेंट ए यूनिक ब्रॉडकास्ट डोमेन, बता दिया, हर एक विलन अपना यूनिक ब्रॉडकास्ट डोमेन। धरो मेरा यहाँ पे एक विलन है, इसके अंदर ही सब ब्रॉडकास्ट डोमेन हो रहा है, यहाँ पे और एक विलन है, इसके अंदर जितना पोर्ट है हर पोर्ट अपना विलेन ये कर रहा है। दैट्स व्हाई डिफरेंस डिफरेंस ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो रहा है, इसका ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं आएगा, इसका ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो लोग अपना ब्रॉडकास्ट होगा, इसलिए बोला है ईच विलेन रिप्रेजेंट ए यूनिक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ट्राफिक बिटवीन डिवाइस विद इन द सेम विलेन इज स्विच, मतलब ट्राफिक बिटवीन डिवाइसेस विद इन द सेम विलेन, मतलब हम जो बोले अभी भी सेम विलेन के अंदर जो है वो लोग अपने में इजिली ट्रैफिक सेंड ओवर कर सकता है, लेकिन डिफरेंस में नहीं कर सकता है। ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस इन डिफरेंट विलेन रिक्वायर लेयर 3 डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। सिंपल, यहाँ पर राउटर का कोई बात नहीं कर रहा है,
लेयर थ्री डिवाइस का बात कर रहा है। अगर आपका स्विच लेयर थ्री कैपेबिलिटी है तो वो भी डिफरेंस विलेन में कर लेगा, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है कि आपको राउटर ही चाहिए, बहुत कोई बोलता है आपको राउटर चाहिए। दो डिफरेंस विलेन में अगर आपको कम्युनिकेशन करवाना है, सिंपली बोल देते हैं राउटर चाहिए, बट ये टर्म्स यूज करना गलत है। मुझे दो डिफरेंस विलेन में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो मुझे लेयर थ्री डिवाइस चाहिए, क्यों, स्विच भी तो लेयर थ्री हो जाता है तब, सही है। तो इंटरव्यू में भी हो या कहीं भी हो, अगर आपको स्मार्टली आंसर देना है, इस तरह से देना है। हाँ, एकदम, हाँ, एकदम क्लियर। नाउ ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन विलेन विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू अनदर विलेन, ये सिंपली तभी से हम बोले जा रहे हैं। द लॉजिकल सेपरेशन प्रोवाइड बाई विलेन इज नॉट ए लेयर थ्री फंक्शन, मतलब हम जब विलेन बना दिए, ये एक्चुअली मेरा लेयर थ्री फंक्शन नहीं है, मेरा लेयर टू ही फंक्शन है। तो हम लोग क्या देखे, लॉजिकल सेपरेशन प्रोवाइड बाय विलेन इज ए नॉट लेयर थ्री फंक्शन। अगर इसको आप समझ लो कि लेयर थ्री फंक्शन तो नहीं है, ये मेरा लेयर टू है बोलकर ही सेम विलेन से दूसरा विलेन से दूसरा विलेन में डेटा नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर लेयर थ्री फंक्शन होता है तो विलेन करने की जरूरत ही नहीं होता, पैकेट ऐसे ही ब्रॉडकास्ट हो जाता था, चला जाता है, ठीक है। विलेन टैग आर इंसर्टेड इनटू ए लेयर टू हेडर, मेरा लेयर टू है बोल के ही ये मेरा लेयर टू हेडर में वो इंसर्ट होता है टैग, तभी ना समझेगा कि इसमें विलेन किया हुआ है। अगर वो पैकेट जब भेज रहा है, अगर वो टैगिंग नहीं हुआ रहेगा, उसको कैसे पता होगा ये इस विलेन का है, ये विलेन का डेटा है, किसी को तो होना चाहिए ना मालूम। हम जैसे क्या करते हैं, जैसे पैकेट भेजते हैं, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन का सब पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ए आईपी एड्रेस। जब वो स्विच के पास आता है तो उसको खोलता है, खोल के देन चेक करता है, देन वो उसको फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे वही है, जैसे हम विलेन कर दिए ना, तो पर्टिकुलर पोर्ट हम लोग का विलेन के अंदर आ गया, वो पोर्ट से ही जब डेटा जाएगा तो उसमें टैगिंग होके जाता है। जैसे ही टैगिंग हुआ, स्विच के पास जैसे पैकेट आया, वो पहले खोल के देखेगा हेडर को, वो देखा विलन टू का है तो विलन टू के अंदर ही भेजेगा, मतलब उसके बाहर और ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, समझ में आया। दैट्स व्हाई इस तरह से हम लोग ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये टैगिंग हो रहा है बोलकर ही। अगर टैगिंग नहीं होता तो कैसे पता चलता कौन सा कौन विलन का पैकेट का है, कौन सा कौन विलन का है। डज ए स्विच कैन दैट सपोर्ट विलन, नॉट नेसेसरी ए लेयर थ्री स्विच, हाउएवर ए प्योरली लेयर टू स्विच कैन नॉट रूट बिटवीन विलन। तो सेम लेयर थ्री स्विच रहेगा तो हम लोग विलेन में वो नेसेसरी भी नहीं है बोल दिया। अगर लेयर थ्री स्विच में अगर विलेन कर रहे हो तो जरूरत क्या है उसमें, अगर राउटिंग में अगर कर दिए तो, लेकिन कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेयर टू स्विच डिफरेंट विलेन के अंदर राउट नहीं करवा सकते हम अपने अंदर। अगर आपको लेयर थ्री स्विच है उसमें विलेन किया हुआ है, तो आप बिना लेयर थ्री डिवाइस का आप यूज कर सकते हो, राउटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद लेयर थ्री डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका लेयर टू डिवाइस है तो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में वो राउट नहीं कर पाएगा, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पैकेट नहीं भेज पाएगा, मतलब एक विलेन से डिफरेंस विलेन को पैकेट नहीं भेज पाएगा, क्लियर। रिमेंबर थ्रू विलेन प्रोवाइड सेपरेट फॉर लेयर थ्री, दो विलेन प्रोवाइड सेपरेशन फॉर लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो हम लोग जानते ही है मेरा क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है किस चीज से, लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन से, विलेन कर रहा है बोल के। देयर आर स्टिल ए लेयर टू फंक्शन, मेरा ऑब्वियसली अगर लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम लोग का कंट्रोल हो रहा है, सेपरेशन कर दे रहा है लेयर थ्री डिवाइस से, लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है, लेयर टू फंक्शन ही है, नथिंग लेयर थ्री फंक्शन, ठीक है। और नहीं चाहिए एग्जाम्पल, अभी नहीं चाहिए। अब आते हैं विलेन हम लोग का होता कितना है, एकदम कॉन्फ़िगर दिखाएंगे तो पता चलेगा, पहले आप थ्योरी समझो। ये देखो हम लोग क्या बोले थे, मेरा विलेन कितना होता है, ठीक है। हम लोग का टोटल एक जो मेरा स्विच होगा या मेरा जो डिवाइसेस होगा लेयर टू डिवाइस, उसमें मेरा टोटल कितना विलेन सपोर्ट कर सकता है, 2 द पावर 12,
ठीक है, टू दी पावर 12 भी मेरा मैक्सिमम विलन सपोर्ट कर सकता है, दैट्स मीन 4096, 4096, 96, 4096, ठीक है, तो जीरो से लेकर 4095, 4095, जीरो से लेकर, ठीक है, मेरा टोटल कितना हुआ तब जीरो से लेकर 95 तक, ये देखो, इसलिए बोले जीरो से लेकर 0 to 495, दैट्स मीन टोटल 4096 टू दी पावर 12, टू दी पावर 10 मतलब 1024, टू दी पावर 1 मतलब हो गया देन 4000, ठीक है, सो टोटल हो गया इतना। कोई पूछ भी सकता है आपका विलेन का मैक्सिमम कितना बिट का होता है, 12 बिट का, ठीक है, तो टोटल कितना होता है जीरो से लेकर 4995। अब देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4095 और 0 इज रिजर्व, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, टोटल हम लोग को तब यूज करने के लिए कितना मिल रहा है 4094, टू रिजर्व 0 एंड 95, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 4094, तो मेरा टोटल कितना है 4096, तो यहाँ पे दो रिजर्व हो गया 0 एंड 4095, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग टोटल विलेन 4095। अब मेरा टोटल जो 4096 है या बचा मेरे पास जितना, ये इसको दो हिसाब में तोड़ा गया है, एक हुआ आपका नॉर्मल और एक हुआ आपका एक्सटेंडेड, कहाँ गया देखें, हाँ, सिस्को स्विच ब्रेक द रेंज ऑफ विलेन आईडी 1 through 4094 इनटू टू रेंजेस, दो रेंज में इसको डिवाइड किया है, वन इज द नॉर्मल रेंज एंड अनदर इज द एक्सटेंडेड रेंज। नॉर्मल का रेंज क्या है, 1 से लेकर 1005 1005 तक, और एक्सटेंडेड रेंज हुआ 1006 से लेकर मतलब 1006 से लेकर 4094 तक। क्लियर, समझ में आया इतना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, टोटल कितना बीट का विलन होता है। अब हम थोड़ा देर पहले टैगिंग के बाद बोले थे, ये देखो मेरा नॉर्मल क्या होता है फ्रेम में, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, देन यहाँ पे देखो टैग, टैग में देखो क्या है, विलन आईडी 12 बीट का, उसके बाद उसमें फ्लैग होता है, प्रायोरिटी होता है, देन टाइप होता है किस टाइप का है, नॉर्मल है या एक्सटेंडेड है या आपका नेटिव विलन है, जो भी है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा, देन उसका प्रायोरिटी क्या है, देन उसका फ्लैग क्या है, देन विलेन आईडी। ये जो टैगिंग होता है, टैगिंग के पीछे दो प्रोटोकॉल काम करता है, IEEE 802.1Q और एक होता है ISL, दो टाइप का प्रोटोकॉल हम लोग के यहाँ पर काम करता है, 802.1Q and ISL, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये ट्रंक करने का दो प्रोटोकॉल है टैगिंग के लिए हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा दो चीज होता है, विलेन पोर्ट टाइप, विलेन का जो पोर्ट होता है मेरा दो टाइप का होता है, विलेन का पोर्ट दो टाइप का होता है, एक हुआ वन इज द एक्सेस पोर्ट एंड अनदर इज द ट्रंक पोर्ट, हम लोग का जो होता है एक एक्सेस पोर्ट और एक होता है ट्रंक पोर्ट, सॉरी
ना टैग पर नाम की कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेन आपको समझना होगा। हाँ, हम लोग टैगिंग जब करते हैं ना तब उसको एक्सेस ही करते हैं ना, स्विच पोर्ट एक्सेस, दैट्स व्हाई हम लोग। हाँ स्ट्रांग, तो नाम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री जो यूज करता है, अब जिस कंपनी में यूज कर रहे हो, लोग छोटा छोटा करके कर देते हैं। तो एक्सेस पोर्ट क्या होता है? एक्सेस पोर्ट इज अ मेंबर ऑफ ओनली ए सिंगल विलेन। अगर जो एक पोर्ट, एक्चुअली हम लोग विलेन में जब करते हैं, डिफाइड करते हैं ना, हम लोग थोड़ा देर पहले क्या बोले कि हर एक पोर्ट ब्रॉडकास्ट कर सकता है, तो हम लोग का हर एक पोर्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको अगर एक विलेन बनाना है तो हम एक पोर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, हमको अगर सेपरेट करना है तो पोर्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, दैट्स में मुझे पोर्ट को डिवाइड करना पड़ेगा विलेन में। मतलब विलेन 10 को बनाए, हर एक पोर्ट को उस विलेन के अंदर हमको डालना पड़ेगा। तो एक्सेस पोर्ट क्या होता है? वो पोर्ट होता है जिसको हम एक सिंगल विलेन में रख सकते हैं। नॉर्मली एक पोर्ट को 2 विलेन में नहीं रख सकते, ठीक है? नॉर्मली प्राइवेट विलेन ये सब कॉन्सेप्ट में आओगे तो अलग बात है, नॉर्मली हम लोग जब करते हैं एक पोर्ट को हम 2 डिफरेंट विलेन में नहीं रख सकते हैं। तो अगर मेरा कोई पोर्ट अगर विलेन में टैगिंग किया हुआ है, विलेन में है, विलेन में एक्सेस किया हुआ है, वो पोर्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सेस पोर्ट, मतलब जो विलेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर? जैसे धर एक दो तीन चार, 4 को पोर्ट है, तो चारों पोर्ट का हम 4 को विलेन में डालेंगे, तो वो 4 पोर्ट हो गया मेरा एक्सेस पोर्ट। क्लियर? एक्सेस पोर्ट आर मोस्ट ऑफ्टन यूज टू कनेक्ट होस्ट डिवाइसेस। यही एक्सेस पोर्ट से हम लोग क्या करेंगे, होस्ट डिवाइस कनेक्ट करेंगे। होस्ट मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर, मेरा नेटवर्किंग डिवाइस भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ठीक है? सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर, देखो प्रिंटर भी लिखा हुआ है। बाई डिफॉल्ट एंड सिस्को स्विचेस ऑल स्विच पोर्ट आर एक्सेस पोर्ट। बाई डिफॉल्ट हम लोग का क्या होता है, हर पोर्ट मेरा एक्सेस पोर्ट में ही होता है, एक्सेस या डायन। अब हम लोग, हाँ सॉरी, तो एक पोर्ट को अंदर 2 विलेन नहीं रख सकते ना, एक विलेन के अंदर 5 को पोर्ट रख सकते हैं, लेकिन एक पोर्ट को 5 विलेन में नहीं रख सकते हैं। हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ, विलेन में नहीं। हाँ, तो हम लोग का बाई डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट आर एक्सेस पोर्ट। नॉर्मली हम लोग का पोर्ट क्या होता है, एक्सेस पोर्ट में ही रहता है, ठीक है? इसलिए हम लोगों को दूसरा पोर्ट को ट्रंक करना पड़ता है। बाई डिफॉल्ट एक्चुअली क्या होता है, एक्सेस पोर्ट में रहता है, अगर आप देखोगे तो एक्सेस पोर्ट में ही रहता है बाई डिफॉल्ट। एनी होस्ट कनेक्टेड टू एन एक्सेस पोर्ट इमीडिएटली बिकम ए मेंबर ऑफ द वीलैन। अगर वो एक्सेस पोर्ट में कोई भी अगर कनेक्ट हो गया, कोई भी डिवाइस होस्ट, तो उस विलेन का पार्ट हो जाएगा। सपोज मेरा 1 नंबर पोर्ट को विलेन 2 में रखे हैं, उस पोर्ट में जो अपना पीसी को कनेक्ट करेगा वो विलेन 2 में हो गया। बस समझ में, सिंपल सी बात है। अगर एक पोर्ट पोर्ट नंबर 1, वो अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करके समझा दे रहे हैं क्योंकि ये कॉन्फ़िगर करने टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा फर्स्ट टाइम, इसलिए अभी इसे कॉन्फ़िगर ये कर दे रहे हैं। ये पोर्ट नंबर 1 और ये पोर्ट नंबर 2। अब मेरा यहाँ पे एक पीसी है सपोज, अच्छा ड्रॉ किया, तो अब देखो ये पोर्ट नंबर 1 हुआ और ये पोर्ट नंबर 2 हुआ, ये विलेन 1 में है, विलेन 1, और ये है मेरा विलेन 2 में। दैट्स मीन ए पोर्ट को हम एक्सेस करते हैं विलेन 1 में, ए पोर्ट को हम एक्सेस करते हैं विलेन 2 में, दैट्स मीन दोनों में ब्रेकअप हो गया, ठीक है? तो आप सपोज ये जो कंप्यूटर का तार है, अगर हम इसको इस पोर्ट में लगाएंगे तो मेरा किस पोर्ट में आ गया, विलेन 1 में। अगर हम इसको इस पोर्ट में कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा विलेन 2 में हो गया। तो डिपेंड करता है जो पोर्ट है, उस पोर्ट में हम जिस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे वो उस डिवाइस मतलब उस विलेन में हो गया, ठीक है? तो एनी होस्ट कनेक्टेड टू द एक्सेस पोर्ट इमीडिएटली बिकम अ मेंबर ऑफ द विलेन कॉन्फिगर इन द पोर्ट, ठीक है? दिस इज द ट्रांसपेरेंट ऑफ द होस्ट, इट इज एन अनवेयर दैट द बिलोंग इन द विलेन। इट इज पॉसिबल फॉर विलेन टू स्पैन मोर वन स्विच। ये भी हो सकता है ना कि हम मेरा एक स्विच नहीं है और एक स्विच है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ग्रुप था और एक बिल्डिंग है और एक रूम है, वहां पे भी मेरा सेम ग्रुप है, हो ही सकता है ना। सपोज अगर हम लोग इसको पेंट में जाएं तो अच्छे से समझ पाओगे।
मेरा एक स्विच हुआ, एक रूम हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक रूम हुआ, दो रूम है, यहाँ पे मेरा ए रूम में हो ही सकता है ना कि यहाँ पे भी मेरा एक एचआर बैठता है, यहाँ पे मेरा एक एडमिन बैठता है, सॉरी, और यहाँ पे मेरा सेल्स टीम है, सब के लिए एक एक रखा हुआ है, सेम एज वेल ओवर देयर, यहाँ पे भी सेम हो सकता है, ये रूम में एक रूम हुआ आपका, एक रूम हुआ, दो स्विच हुआ, ठीक है, एचआर में मेरा एक दो कंप्यूटर है, एडमिन में मेरा एक कंप्यूटर है, सेल्स में मेरा 10 PC है, मतलब 10 पोर्ट हमको सेल्स के लिए रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है, और एडमिन के लिए एक पीसी पोर्ट रखना पड़ेगा, और एचआर के लिए दो पोर्ट रखना पड़ेगा, मेरा स्विच है 24 पोर्ट का, तो मेरा पोर्ट नंबर 1 और 2 दे दिया हम किसको, एचआर को, पोर्ट नंबर 3 दे दिया हम एडमिन को, और पोर्ट नंबर 3 से लेकर रेस्ट, मतलब 10 पोर्ट दे दिया किसको, 4 से लेकर सेल्स को, यहाँ पे जो एचआर है, यहाँ पे मेरा 1 HR है, यहाँ पे मेरा एडमिन 3 है, और सेल्स मेरा यहाँ पे कम है, 5 है, ठीक है, तो एक यहाँ पे ए पोर्ट दे दिया हम, फर्स्ट 1 पोर्ट दे दिया हम एचआर को, उसके बाद 2, 3, 4 दे दिया हम एडमिन को, और उसके बाद हम 5 को दे दिया सेल्स को, इस तरह से हम डिवाइड कर दिए, डिफाइन, अब एचआर तो एचआर के साथ कनेक्टेड कर सकता है ना कि यहाँ पे है, क्योंकि भिन्न नंबर तो सेम है उन लोगों का, भिन्न नंबर तो सेम देना पड़ेगा ना, तो अब हम लोग इन लोगों के साथ कनेक्टिविटी जब करेंगे तो मेरा क्या हुआ, स्पैन हुआ, मतलब बढ़ा मेरा नेटवर्क, यही वो बोलना है कॉन्सेप्ट था, तो बढ़ रहा है तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट वीलैन का इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे अगर मेरा कोई मैकेनिज्म नहीं रहा कि मेरा यहाँ से वीलैन का इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ले जा पाए, तो क्या होगा, यहाँ का इन्फॉर्मेशन इसको सब सबके पास चला जाएगा, तब किसके लिए है, कौन वीलैन के लिए, वो अगर मैकेनिज्म यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म अगर नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहीं पे बोलना चाहे, इट इज पॉसिबल फॉर वीलैन टू स्पैन मोर 1 स्विच, देयर आर 2 मेथड टू कनेक्टिंग द वीलैन अक्रॉस द मल्टीपल स्विचेस, अगर मुझे मल्टीपल स्विचेस में वीलैन को कनेक्ट करना है तो मेरा 2 मेथड है, एक हुआ क्रिएट ए अपलिंक एक्सेस पोर्ट बिटवीन द स्विचेस 1 और ईच वीलैन, हर एक वीलैन के लिए आपको एक्सेस अपलिंक बनाना पड़ेगा, दैट इज ये मतलब बहुत झमेले वाला काम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पोर्ट रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पोर्ट रखना पड़ेगा, यहाँ पे 11 पोर्ट रखना पड़ेगा, सेम यहाँ पे 2, 4, 5, वहां से एक वीलैन का पोर्ट आके यहाँ पे लगेगा, मतलब समझ रहे हो कितना झमेला का काम है, एक हुआ ऑप्शन है, ये नहीं ऑप्शन नहीं है, और एक ऑप्शन जो है सिंपली क्रिएट ए ट्रंक कनेक्शन बिटवीन द स्विच, यहाँ जो मेरा एक तार आया है उसमें से एक कमांड दे दो, इसको ट्रंक पोर्ट बना दो, मतलब यहाँ पे जो मेरा पोर्ट है, ये 24 नंबर पोर्ट है, इस पोर्ट को एक्सेस से हटा के ट्रंक बना दो, तो ट्रंक क्या करेगा, आपका हर एक विलन का इंफॉर्मेशन टैगिंग करके अपने साथ ले जाएगा यहाँ पे, और जिसका है उसी विलन में डिवाइड करेगा, तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग लिंक नहीं रखना पड़ा, झमेला नहीं रखना पड़ा, क्लियर, बस समझ में, इसलिए हम लोग कर सकते हैं, तो ये ट्रंक पोर्ट इज ए नॉट मेंबर ऑफ ए सिंगल विलन, इसलिए बोले कि यहाँ पे जब बनाए तो हर एक विलन का इन्फॉर्मेशन ले जा पाएगा, दैट्स मीन वो एक सिंगल विलन का मेंबर नहीं है, मल्टीपल विलन के जितना विलन है, इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सिंगल विलन, द ट्रैफिक फ्रॉम वन सॉरी एनी और ऑल विलन कैन ट्रेजर ट्रंक लिंक टू ईच अदर स्विचेस, दैट्स मीन क्या हुआ, वो जितना यहाँ पे मेरा विलन्स है, हर एक विलन्स का, एक से लेकर हर किसी को, जिसका जिसका है, एकदम, जब ए विलन 2 नंबर विलन का डेटा ले जाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, उसमें विलन 2 का इन्फॉर्मेशन बोलेगा कि विलन 2 का डेटा है, जैसे यहाँ पे पहुंचा वो सिर्फ बोलेगा विलन 2 का है, तो विलन 2 में ही भेजेगा, एकदम, तो मेरा ये पोर्ट जो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, हर पोर्ट एक्सेस पोर्ट रहता है, तो मुझे इस पोर्ट को सिलेक्ट करके इसको बोलना पड़ेगा यू आर ए ट्रंक पोर्ट, जैसे ही कर देंगे बस ये अपना काम शुरू कर देगा,
ट्रंक जैसे चलाएंगे उसके अंदर दो प्रोटोकॉल काम करने लगता है, ठीक है। इसलिए अपलिंक एक्सेस पोर्ट देखो है जो बताए थे, अपलिंक अगर तीन विलन है तो तीन को कनेक्शन करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रंक पोर्ट कर रहे हो तो एक ही तार से हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है। मल्टीपल अपलिंक, हाँ ऑब्वियसली सिक्योर, सिक्योर में हर एक ही है, सिक्योर के बाद यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, सिक्योर तो ये भी है क्योंकि ये भी विलन दूसरे विलन के इन्फ्लुएंस दूसरे को नहीं देगा, हाँ, और यहाँ पे भी वही है कि दूसरे विलन के इन्फ्लुएंस दूसरे में नहीं जाएगा। हाँ सेम यहाँ पे भी है, हाँ 101 का पोर्ट से हम 101 का पोर्ट में लगाएंगे यहाँ पे। हाँ हाँ ये विलन आईडी है यहाँ पे, लेकिन सबके लिए एक ही रास्ता है, लेकिन उसको डिफरेंट कैसे किया गया टैगिंग से ट्रंक से। हाँ दैट्स वाई मुझे यहाँ पे पोर्ट का संख्या भी कम गया, यहाँ पे देखो तीन तीन करके मेरा पोर्ट बिजी हो गया जो एक ही पोर्ट से हो सकता था, ठीक है। ये देखो विलन का फ्रेम टैगिंग, फ्रेम में किस तरह से वो टैग करता है, व्हेन विलन स्पैन मल्टीपल स्विचेस, एक स्विच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम दो या तीन स्विच में आ गए तभी हमको टैगिंग की जरूरत पड़ता है। जैसे हम ट्रंक किया, ए मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच विलन इज फ्रेम बिलोंग टू, मतलब जैसे यहाँ से पैकेट जाएगा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जो आइडेंटिफाई कर सके ये विलन वन का है या विलन हंड्रेड का है या विलन टू हंड्रेड का है, तो मैं यहाँ विलन टू हंड्रेड को ही प्रोवाइड करूंगा। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू फ्रेम टैगिंग, ये किस तरह से, हाँ। वो तो पोर्ट नंबर है, हम पोर्ट नंबर लिखे थे वहां पे आईडी नहीं लिखे थे, तो मेरा दो ये है, ठीक है। आईडी तो मेरा सबके लिए अलग अलग रहेगा, हाँ हाँ भैया एक ही रखना, नहीं तो अलग हो जाएगा ना टैगिंग। नाम अलग रखो, आप एचआर लिखे एचआर लैन वन एचआर लैन टू कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी सेम होना चाहिए, हाँ हाँ आईडी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हंड्रेड मतलब आप हंड्रेड जो होगा उसमें एचआर को ही लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अगर सेल्स को लगा देगा तो सेल्स एडमिन बन जाएगा, लेकिन वो तो होगा नहीं फिजिकली, तो पॉसिबल नहीं है ना। विलन बनाना पड़ेगा हर किसी में, हर स्विच में, तो विलन आईडी ईच फ्रेम, तो टैगिंग क्या करता है व्हिच प्लेस विलन आईडी इन ईच फ्रेम, दैट्स मीन हम लोग का जो हर एक फ्रेम जाएगा हर एक फ्रेम में वो विलन का टैगिंग कर देगा, विलन को पुट कर देगा कि विलन आईडी ये है इसका, तो यहाँ पर जैसे रीच करेगा वो खोल कर देखेगा किसके लिए है, तो देखा विलन आईडी दिया हुआ क्योंकि ट्रंक पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट कर देना मतलब विलन का इन्फॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच में ले जा पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात अगर समझ में आए तो, टैगिंग ओनली ओकर व्हेन ए फ्रेम इज सेंट आउट ऑफ ट्रंक पोर्ट, टैगिंग कब होगा जब वो पोर्ट ट्रंक पोर्ट होगा या ट्रंक पोर्ट से जाएगा कोई भी डेटा, इसलिए हम लोग को ट्रंक पोर्ट करना पड़ता है। तो ट्रंक पोर्ट मेरा क्या कर रहा है, टैगिंग कर रहा है। नॉर्मल एक्सेस पोर्ट से मेरा जा रहा है यहाँ पे पैकेट, लेकिन यहाँ से जब इधर फॉरवर्ड कर रहा है स्विच टू स्विच तो वो मेरा ट्रांसपोर्ट ही कर पाएगा सेंट आउट ना, मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर एक स्विच है, इधर एक स्विच है, उसको भी कनेक्ट करना होगा ना। ट्रैफिक सेंट आउट एक्सेस पोर्ट इज नेवर टैग, मेरा एक्सेस पोर्ट से जो आता है वो टैग नहीं होता है, वो टैग नहीं कर पाता है, बट ट्रांसपोर्ट कैन टैग, ठीक है। तो ये डिफरेंस दो है, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट, तो आप एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हो। तो देखो नॉर्मली इंटरव्यूअर यही सब मांगता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप बोले नॉर्मली ट्रंक पोर्ट से हम लोग विलन के इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं एक्सेस पोर्ट से नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो ट्रंक पोर्ट आपका टैगिंग सपोर्ट करता है सेंट आउट में, एक्सेस पोर्ट टैगिंग नहीं कर पाता है, दैट इज द लॉजिकली एक ही बोल रहे हो, लेकिन
वर्ड और उसका मीनिंग और उसका प्रेजेंटेशन अलग हो गया पूरा। तो यहाँ पे बोला गया देखो विलेन 100 100 200, विलेन 100 100 200। तो अगर ए कोई पीसी का पैकेट यहाँ से जब जा रहा है तो ए रास्ते से सबके लिए है, विलेन 100 के लिए या 200 के लिए, लेकिन इसमें टैगिंग किया हुआ है 100 के लिए। तो यहाँ पे जब रीच हुआ वो ए दोनों के अंदर ही भेजेगा, ब्रॉडकास्ट अगर हुआ तो इसको नहीं भेजेगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको नहीं भेजेगा, वही बताया यहाँ पे बोला है। देखो सेम टैगिंग प्रोटोकॉल, सेम टैगिंग के लिए दो प्रोटोकॉल काम करता है, एक हुआ ISL इंटर स्विच लिंक और एक हुआ IEEE 802.1Q। ये दो प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल अपना टैगिंग करते हैं। हाँ 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 ऑर्गेनाइजेशन है एक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे सर, स्टैंडर्डाइज करता है। हाँ बोलो सर बोले ऊपर जो प्रोसेस बताए कि ट्रंक प्रोटोकॉल ट्रंक कर देंगे तो उसमें विलेन कम्युनिकेशन होगा सर, तो हाँ उसमें ट्रैफिक भी तो इंक्रीज होगा सर, क्योंकि सिंगल केबल से जा रहा है सर। हाँ तो आप एथर चैनल कर सकते हो, समझाया? आपका मिनिमम तो 100 एमबीपीएस का लाइन है ना। आप नॉर्मल भी जी स्विच, अगर एक स्विच से दूसरे स्विच में डेटा भेजते हो तो वही तार एक ही तार यूज करते हो, उसमें जैसे बोलते उसको टैगिंग कर दिया जैसे ट्रंक हो जाओ, दैट्स मीन वो विलेन की इन्फॉर्मेशन ले जा पाएगा, और तो कुछ नहीं है, सिंपल। वो तो मैं ओके सर, नेम में मेरा एक 12 बिट का जगह एक्स्ट्रा ऐड हो गया वो ही है, लेकिन मेरा तो आदर्श कुछ तो नहीं हुआ ना कि मेरा ज्यादा डेटा जा रहा है, वो नहीं है। ओके सर, द टैगिंग प्रोटोकॉल कैन मैनुअली स्पेसिफाई ऑन ट्रंक पोर्ट और डायनेमिकली। हम ये जो मेरा टैगिंग प्रोसेस है ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं या डायनेमिकली भी कर सकते हैं। सिस्को प्रॉपर्टीज इज डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल DTP। आप देखो ISL का क्या काम है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, हमने जैसे नॉर्मल कॉमन बार होना है ट्रंकिंग पोर्ट तो डायनेमिक तो ले लिया है, अब हम मैनुअली स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हाँ डायनेमिक मतलब क्या है, ऑटोमेटिक ले लेगा, हम जस्ट कॉमन दे स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रंक ऑटोमेटिक ले लिया जो प्रॉपर्टी होगा सिस्को का। इंटर स्विच लिंक ISL क्या है, इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल। ISL सपोर्ट सेपरल टेक्नोलॉजीज, ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI एंड ATM, इतना सारा चीज में हम लोगों का वो यूज कर सकता है। हम लोग इसलिए जब साब इंटरफेस में करते हैं तब हम लोग एनकैप्सुलेशन कमांड देना पड़ता है, दैट्स मीन वो हम लोग मैनुअली किए, लेकिन स्विच में हम लोग सिर्फ ट्रंक कर देते हैं। काफी कम कैंडिडेट है जो वहाँ पे एनकैप्सुलेशन .1Q या ये सब लिखता है, बाय डिफॉल्ट स्विच के सीस में क्या बोला है, सिस्को प्रोप्राइटरी को ले लेता है, दैट्स मीन ISL। हम लोग स्विच में कभी नहीं देते हैं, नॉर्मली ऑटोमेटिक वो ले लेता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब इंटरफेस में अगर जब डिफेंस विलन का कनेक्शन करने जाते हैं तब हम लोग मैनुअली लिखते हैं वहां पे, ठीक है, समझ में आया, मैनुअली लिख के डिवाइड करते हैं, इसलिए एनकैप्सुलेशन .1Q देन विलन ID, दैट्स मीन हम उसको बोल रहे हैं कि आप टैगिंग जो कर रहे हो .1Q से कर रहे हो IEEE 802, लेकिन स्विच में तो सिंपली हम लिख देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस विलन, तो बाय डिफॉल्ट डायनामिक ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब अगर हम चाहें तो उसको हम लोग मैनुअली भी उसको कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन देकर, ठीक है। तो ISL किस किस चीज में सपोर्ट करता है, मेरे ईथरनेट मतलब जो लैन है जो मेरा उसमें सपोर्ट कर रहा है, टोकन रिंग मेरा जो टोकन रिंग है उसमें सपोर्ट करेगा, FDDI फाइबर से जो होता है, एंड देन ATM अभी यूज नहीं होता है, ISL विद द एडिशनल हेडर इतना बाइट, ट्रेलर इतना बाइट, मतलब ISL में कितना बाइट का जगह होता है, 26 बाइट का, एंड ट्रेलर में होता है 4 बाइट का, टोटल मेरा फ्रेम का साइज इंक्रीज कर देता है 30 बाइट, मतलब मेरा जो टैगिंग करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ISL में टैगिंग करने से कितना साइज का जगह लेता है, तो दैट इज आंसर विल बी 30 बाइट, 26 बाइट फॉर हेडर एंड 4 बाइट फॉर ट्रेलर। द हेडर कॉन्टेन द सेवरल फील्ड, आप यहाँ से भी कोई पूछ सकता है आपका हेडर में क्या क्या रहता है, हेडर में 15 बीट रहता है विलेन ID, द टेलर कॉन्टेन द एडिशनल 4 बाइट CRC फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी। 15 बीट में मेरा 12 बीट हो गया विलेन ID के लिए, बाद बाकी 3 बीट बचा किसके लिए, फ्लैग फ्लैग ये सब के लिए, टाइप के लिए, प्रायोरिटी के लिए, प्रायोरिटी में क्या होगा 0 और 1,
फ्लैग में भी 0 और 1, टाइप में भी 0 और 1, ठीक है। तो 15 byte हो, बीट उधर हो गया, और 4 byte जगह वो जो लेता है सीआरसी के लिए, साइकिल रिडंडेंसी चेक के लिए, ठीक है, मतलब एरर है कि नहीं सब के लिए। नॉर्मली द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द इथरनेट फ्रेम इज 1518 byte। मेरा एक्चुअली एम टी यू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो होता है, हर एक फ्रेम का साइज मैक्सिमम होता है 1500। उसके साथ ये सब ऐड होने के बाद मेरा मैक्सिमम इसका साइज कितना कर सकते हैं, 1518। तो मेरा एम टी यू का साइज वो थोड़ा छोटा कर देगा, देन उसमें 30 byte की जगह लगा देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग इतना बाइट का फ्रेम भेज सकते हैं। मोस्ट इथरनेट डिवाइस यूज डिफॉल्ट एम टी यू 1518 14, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मली 1500 रहता है, प्लस हेडर में और ये सब ऐड होने के बाद ये थोड़ा इंक्रीज होकर इतना आता है, ठीक है। देखो मेरा ISL increases the frame size, जो बोले 30 byte जगह वो और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। Thus most switch will decrease ISL tagging frame by being oversized। तो ये सब कर सकता है छोटा बड़ा ये सब करके। इसलिए ISL support maximum 1000 VLAN। अगर आप ISL से कर रहे हो तो आप 1000 के ऊपर VLAN ID नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग आ गया IEEE 802 1Q। ये क्या है, अदरवाइज रेफर .1Q, जो बताए हम लोग कॉमन देते हैं .1Q। तो ये आ गया हम लोग का ए वाला, ये है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सिस्को का नहीं है, ये हर वेंडर में हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोर्ट बाय नियरली ऑल स्विच मैन्युफैक्चरर, जो बताए हर स्विच का जो मैन्युफैक्चरर है हर कोई यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई सिस्को प्रोप्राइटरी, देखो सिस्को का अपना संपद है। अब रिकॉल दैट ISL इंस्क्रिप्शन फ्रेम इज एडिशनली हेडर टेलर इन कॉस्टिंग एथनो 4 byte विलन टैग डायरेक्टली इनटू द लेयर 2 फ्रेम। वही ये भी है सेम, 4 byte ऐड कर दे रहा है, ठीक है। इसका भी वही है 12 bit। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे 12 bit किया विलन आईडी के लिए, ओनली फॉर विलन आईडी एंड देन अदर्स फॉर दूसरे के लिए। तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 1500 साइज होता है, देन 12 bit इसका विलन आईडी हो गया, और 2-3 इधर अगर उसका जरूरत हुआ तो मैक्सिमम इसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये सब कम हो गया है, इसलिए ये सपोर्ट करता है आपका 4096 विलन, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले ISL में कितना सपोर्ट करता है 1000, और अगर आप 802.1Q मतलब इसमें अगर कितना सपोर्ट करता है 4096 विलन तक का। देखो ना ना मतलब इतना सारा में हम यूज कर सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं थोड़ा। तो अगर आप किसी पोर्ट को अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, उसका कमांड क्या है, पहले इंटरफेस को सिलेक्ट करो, देन उसका कमांड होगा स्विच पोर्ट मोड ट्रांक, स्विच में नॉर्मल स्विच में कंसोल लगाओ बस, जैसे राउटर में ढूंढते वैसे ही सिंपल। तो इंटरफेस G0/lab इसका नेक्स्ट दिन करवाएंगे, आज थ्योरी कंप्लीट, क्योंकि थ्योरी में देख रहे हो कितना भी टाइम जा रहा है। लैब एक दिन में पॉसिबल नहीं है, अगर संडे का सिर्फ क्लास होता तो उसमें एक दिन में सब थ्योरी प्लस लैब सब करवा देंगे। पहले आपको इसको समझना है, देखो कितना कुछ है इसमें, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्या है, देखो इंटरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेम कमांड है इंटरफेस सिलेक्ट करने के लिए। देन क्या होता है, स्विच पोर्ट, स्विच का जो पोर्ट है उसका मोड, मोड हम क्या कर दें, टो टाइप का होता है, एक वो एक्सेस एक वो ट्रंक, एक्चुअली डायनेमिक भी होता है, डायनेमिक वो छोड़ो, तो ए वो ट्रंक, तो ट्रंक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखो, अगर हम टैगिंग करना है इंटरफेस में ढूके, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन ISL या .1Q तो 802.1Q या ISL, इस तरह से मैनुअल इसको कन्फिगर कर सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्को प्रोप्राइटरी है उस हिसाब से ले लेगा वो डायनेमिकली, क्लियर। ये सब कमांड, ये सब तो आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो यहाँ से फिर आप लोग देख लोगे कि क्या कमांड्स है। बाय डिफॉल्ट हम लोग को करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है जो है डायनेमिकली, ठीक है। लेकिन आप डिफरेंस वेंडर हो तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा ये वाला स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q। अगर आप चाहते हो .1Q से हो तो, आप चाहते हो उसका टैगिंग
डॉट वन क्यू से हो, आप धरो 1050 नंबर एक विलन बनाया हो, वो तो आपका आईएसएल तो ले नहीं जा पाएगा ना, तो आपको मैनुअली तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप धरो 1024 नाम का एक विलन आईडी बनाया हो, आप बाय डिफॉल्ट आपका आईएसएल है, पैकेट नहीं जाएगा 1000 तक जो यहाँ पे है, विलन आईडी 1000 से कम होगा। हाँ, एक तो आगे बोल रहा हूँ जो है उसका बाइट की संख्या थोड़ा इंक्रीज होता है ज्यादा, क्योंकि 15 बाइट का विलन आईडी टैग कर देता है वो, ये 12 की है, ये सब तो ये सब है मेन रीजन। डॉट वन क्यू हर डिवाइस में चल सकता है, हर मैन्युफैक्चरिंग में चल सकता है, लेकिन आईएसएल आप हर मैन्युफैक्चरर को नहीं चला सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना, मतलब उसका उसका मीनिंग में ये नाम दिया गया है यहाँ पे डॉट वन, इसलिए हम लोग यही लिखते हैं। आर एक है क्या, कनेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नेगोशिएशन, मतलब जो भी होगा वो नेगोशिएट कर लेगा, अगर उधर जो है नेगोशिएट करके जो उसको लगेगा उस हिसाब में ले लेगा। अब सर इधर मेरा दूसरा प्रोटोकॉल चल रहा है, उसके हिसाब में जो नेगोशिएशन आएगा उस हिसाब से वो ले लेगा, एडॉप्ट कर लेगा। आप सपोज धरो हम एक आप चाहते हैं कि मेरा हर विलन के लिए अलाव है, तो ट्रंक कर देना मतलब क्या हुआ, हर विलन के लिए अलाव हो गया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, वो पोर्ट से सिर्फ विलन 2 और विलन 3 जाए, विलन 4 नहीं जाए, तो मैं यहाँ पे एक कमांड दे सकता हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाव विलन। ये आप लोग इंडस्ट्री में अगर लेयर 2 में जो काम कर रहे हो उसके चाहिए ही चाहिए। अगर आपको चाहिए, आपको बोला गया है ए पोर्ट से ट्रांसपोर्ट से विलन 2 का कोई भी डेटा नहीं जाना चाहिए फिलहाल आज के लिए, हो सकता है बोल ही सकता है, आपका ट्रंक किया हुआ है तो आप कैसे उसको रोकोगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन 3/9/11 से लेकर 15 स्पेसिफिक कर दो। आप यहाँ पे एक किया मतलब आपको यही करना पड़ेगा, ये नहीं है, हाँ 3 जाएगा 9 जाएगा 4 5, हाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ विलन रिमूव 12, मेरा यहाँ से 11 से लेकर 15 तक था, हम चाह रहे हैं उसको रिमूव कर दो 12 को, वो कमांड है ये, अलाउड जो था विलन उसको रिमूव कर दो, कितना नंबर को, 12 नंबर को। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ विलन एड, हम ऐड कर रहे हैं 25 को, मतलब एक मेरा दिया हुआ था, अब मैं किसी को ऐड करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं मतलब यहाँ पे देखो हम क्या दिए, 11 से लेकर 15 एज पर दिस, इसके ऊपर हम लोग ये सब कमांड दिया है, मतलब 11 से लेकर 15 तक आप अलाउ किए हो, लेकिन उसमें से आपको 12 नहीं चाहिए फिलहाल, अभी आपको लगा जैसे बोल दिया 12 को रोको 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 12 को रोक दो, उसका भी नहीं जाना देना है। अब फिर क्या, इसको एक कमांड को हटा के फिर से कमांड दोगे, नहीं आप बोल दिए वाला, हाँ रिमूव कर दिया। फिर अगर बीच में किसी को ऐड करना था, 25 नहीं था, 25 को हम ऐड करना था, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्लियर, स्विच पर ट्रंक विलन अलाउ एक्सेप्ट दिस, हर किसी को अलाउ करो 50 से लेकर 99 तक को छोड़ के, एज पर कंडीशन, हम जिस तरह से कंडीशन देंगे, याद करो पहले लिखे थे हम लोग ACL कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके मैं डेटा फिल्टरिंग कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। हाँ आया यहाँ पे, ACL भी नहीं आएगा आप लोग का, ACL आप लोग के पार्ट में नहीं है, लेयर 2 ACL आप लोग का नहीं है, लेयर 3 ACL है, तो वो आप लोगों का राउट बाद में आएगा, लेकिन लेयर 2 नहीं है। स्विच पर ट्रंक अलाउ विलन ऑल, हर किसी के लिए ऑल हो गया, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो एक नेटिव विलन, ये क्या है, रिकॉल दैट ट्रांसपोर्ट टैग्स फ्रेम विथ विलन आईडी, हम लोग जानते क्या है कि मेरा ट्रांक क्या करता है, टैगिंग करता है फ्रेम को, किस में, विलन में, विलन आईडी के साथ। बट व्हाट हैपन इफ द ट्रांसपोर्ट रिसीव एन अनटैग फ्रेम, सपोज मेरा स्विच अनटैग फ्रेम रिसीव किया, तब वो क्या करेगा, हो ही सकता है ना, मेरा बीच में जो स्विच है ये दोनों के बीच में ट्रंक चला, इधर कोई ट्रंक नहीं है, इधर कोई विलन ही नहीं है, तो उसके पास अगर रिसीव करेगा तब वो क्या करेगा,
कुछ तो करना चाहिए ना, उसके पास ये नहीं है कि उसके पास सिर्फ ट्रंक ही आएगा, मतलब उसके पास यहाँ पे धर यहाँ पे और एक स्विच है, इसमें कोई विलन नहीं है, तो इसमें ट्रंक की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से डेटा भेज दिया। ट्रंक नहीं है तो मतलब सॉरी विलन नहीं है तो ट्रंक की भी जरूरत नहीं है, आप ये तो भेज दिया लेकिन इसमें तो विलन है, ये आप जब रिसीव किया तब वो क्या करेगा इन दैट कंडीशन, ये भी तो हो सकता है ना, इन दैट केस व्हाट विल डू द नेटिव विलन डिटरमाइन द विलन दैट अनटैग्ड ट्रैफिक बिलोंग टू, मतलब नेटिव विलन वो हो गया जो अनटैग्ड विलन है, नहीं तो कोई टैगिंग नहीं है उसका, लाइक डिफॉल्ट विलन जो रहता है वन वो अनटैग्ड विलन है, दैट्स व्हाई इट इज अ नेटिव विलन वन काइंड ऑफ, मतलब विलन वन हर एक स्विच में बाय डिफॉल्ट एक विलन रहता ही रहता है, वो है वन विलन वन, विलन वन का डेटा दूसरा स्विच में भेजने के लिए आपको कोई टैगिंग की जरूरत नहीं पड़ता है ना नेटिव का जरूरत पड़ता है, विदाउट ट्रंक सॉरी नेटिव बोला विदाउट ट्रंक आप डेटा भेज सकते हो, क्यों बिकॉज हम लोग का बोला ही हुआ है डिफॉल्ट जो है मतलब नेटिव जो है उसके लिए आपको ट्रंक की जरूरत नहीं है, समझ सिर्फ नेटिव को ही भेजेगा वो, मतलब अनटैग जो आएगा वो अनटैग जहाँ पे है विलन उसी को भेजेगा, मतलब नेटिव विलन जो है उसी को भेजेगा, मतलब मेरा अगर सपोज मेरा विलन है 5, 6, 7 इसके पास एक आया है डेटा अनटैग है कोई टैग नहीं है, वो क्या भेजेगा जो नेटिव इस स्विच में जो नेटिव विलन है उसको भेजेगा, नेटिव विलन कौन होता है बाय डिफॉल्ट विलन वन को ही भेजेगा, हर स्विच में विलन वन रहता है और हर पोर्ट विलन वन के अंदर रहता है, देन वहां से निकाल निकाल के हमको अलग अलग विलन में डालना है, विलन वन को ट्रंक नहीं कर सकते, विलन वन विलन को ट्रंक थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो पोर्ट को ट्रंक करते हैं, हम तो विलन को नहीं ट्रंक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटिव विलन, या हम किसी विलन को भी हम नेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब अगर कोई आ रहा है अनटैग उसमें भेज दो, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरा जो रहता है वो हुआ विलन वन, हाँ हाँ अगर हम चाहते हैं विलन 45 यहाँ पर जो दिया है उसको नेटिव कर दो तो नेटिव वो हो जाएगा, नेटिव डिटरमाइन द विलन एज अनटैग ट्रैफिक बिलोंग टू बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रंकिंग पोर्ट द नेटिव विलन वन है लिखा हुआ, विलन वन होता है मेरा नेटिव विलन, द नेटिव विलन कैन बी चेंज टू पर विलन पोर्ट बेसिस, मैं अलग से इंटरफेस इतना स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलन 42 इसको ट्रंक करके मैंने बोल दिया मेरा नेटिव विलन 42 है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन रहता है मेरा विलन वन, क्लियर समझ में आया बात, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अब देखो ओनली वन नेटिव विलन कैन बी असाइन टू ए ट्रंक पोर्ट, इसलिए एक ही रह सकता है, एक ही विलन में मैं एक ही ट्रंक पोर्ट को मतलब नेटिव विलन कर सकता हूँ एक ही पोर्ट में, ऑल अनटैग ट्रैफिक रिसीव ऑन द पोर्ट विल बिकम ए मेंबर ऑफ द नेटिव विलन, तो सिंपल वही बोले जो भी पैकेट अनटैग आएगा जो मेरा स्विच में नेटिव है उसी को डेटा भेज देगा, अब नेटिव विलन बाय डिफॉल्ट वन रहता है इसलिए एक स्विच दूसरे स्विच जब हम लोग नॉर्मल कनेक्ट करते हैं ट्रंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझ में आया, अगर दो स्विच लगा दो कनेक्ट कर दो कुछ नहीं, हाँ तो आपका 42 में जो जो रहेगा पोर्ट उसी को भेज देगा, ठीक है, हाँ अब हम चेंज कर दिए देन अब हम चेंज कर दिए तो अब चेंज में जाएगा, अब नेटिव विलन आर ओनली सपोर्ट ऑन 800 to 1 cube ट्रंक, ठीक है, एक फिजिक आपको डिफरेंस मिल गया, आईएसएल डज नॉट सपोर्ट अनटैगिंग फ्रेम एंड विल ऑलवेज टैग फ्रेम ऑल विलन, तो एक लिमिटेशन है आईएसएल का, हाँ द नेटिव विलन मस्ट बी कॉन्फिगर आइडेंटिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द इतना, अब मेरा नेटिव विलन हर बोथ साइड में होना चाहिए अदरवाइज द स्विचेस विल नॉट फॉर्म द ट्रंक कनेक्शन, अगर मैं नेटिव विलन कर रहा हूँ आइडेंटिकली तो मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ नेटिव विलन 45 है तो यहाँ पे हमको यही बोलना पड़ेगा नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा, बट ट्रंक नहीं समझ पाएगा, द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ नेटिव विलन वॉज द लीगसली कंपेबिलिटी विद द हब कंसीडर द फॉलोइंग डिफरमेंट,
अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का बाय डिफॉल्ट 1-1 रहता है, तो दोनों ही जानते हैं मेरा नेटिव विलन कौन है, इसलिए कुछ नहीं होता। जैसे ही चेंज करेंगे बस हमको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो कर देगा। द हैव हैज नो नॉलेज ऑफ विलन ट्रैफिक फ्रॉम होस्ट, तो विलन में होता ही नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो स्विच पोर्ट नेटिव विलन टैग, ये कर देने से नेटिव विलन को भी टैग करें, ये सब आप लोगों का नहीं है नॉर्मली, ये बहुत हम लोग आगे आ गए, ये जरूरत नहीं है आप लोगों का। एक ही तो बोल, ये देखो डायनामिक में क्या होता है, इंटरफेस दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ट्रंक फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल इतना थ्रू द डायनामिक डीटीपी कैन बी नेगोशिएट whether the port become a trunk at all, अब desirable या auto से भी हम लोग कर सकते हैं, mode dynamic और mode dynamic desirable, ठीक है। इस तरह ये आप लोगों का भी पार्ट नहीं है फिलहाल, ये एडवांस लेवल में है, CCNP स्विच का पार्ट है, इसमें हम लोग और नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो दिमाग से ऊपर चल जाएगा, एक लिमिटेशन तक करेंगे। तो डायनामिक एक्चुअली आप लोगों का है नहीं, ये सब आप लोगों का नहीं है, ये सब CCNP स्विच का है, फिर भी हम ये आप लोगों को नोट्स दे देंगे, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए ये आप लोगों का नहीं है। तो क्लियर समझ में आया पूरा, विलन क्यों जरूरत है, विलन का जरूरत क्यों पड़ता है, किस लिए जरूरत पड़ता है, इसको हम